गर्मा गर्म चाय, वो गुलाब के दिन तो तुम्हारे चले गए अब। इंदौर की रास्ताएं भाई क्या क्लीन दिखाई देती है। अभी जा रहे हैं अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए। अपन ने की थी पढ़ाई, जा रहे हैं उसी जगह। और यहाँ पे देखो पूरा फ्लाई ओवर का और मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पर। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं IGTR मतलब इंडो जर्मन टूल रूम। और अपन को उठाना है कुछ वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो अपन ने उस टाइम सॉफ्टवेयर का काम सीखे थे, तो उसका अपन को उठाना है डॉक्यूमेंट्स। लव कुश लव कुश लव कुश, ये है लव कुश स्क्वायर एंड यहाँ से है राजवाड़ा 8 किलोमीटर, एयरपोर्ट 10 किलोमीटर, लालबाग पैलेस 13 किलोमीटर। सो ये है इंडो जर्मन टूल रूम। तो यहाँ से अपन ने किए थे मास्टर सर्टिफिकेट का कोर्स। सो अभी ये है, अभी मैं हूँ IGTR कॉलेज में एंड ये इंडो जर्मन टूल रूम के नाम से जाना जाता है। एंड ये बहुत बड़ी संस्थान है एंड एक बार यदि इस जगह पर आपने कोई सा भी कोर्स कर लिया एज़ मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया या मैकेनिकल हो गया या CNC हो गया, आप यदि आप यहाँ आते हो यहाँ पे कोई सा भी कोर्स करते हो, यदि ITI बेस से भी आप करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांस कोर्सेज हैं। सो यहाँ बस आप आइए। और जैसे मैंने CNC कोर्सेज किया था, देन इसके बाद मेरी जॉब लग गई थी, तो यहाँ का जो रिस्पॉन्स मिलता है और यहाँ पर कैंपस के थ्रू बहुत से लोगों को यहाँ पर जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ का जो कैंपस है यहाँ पर आता रहता है। सो ये पूरा कॉलेज है एंड यहाँ पर मतलब 2 घंटे मैंने सर के साथ बताए और अच्छा लगा, बहुत ही दिनों बाद कॉलेज में आए। सो ये है पूरा IGTR कॉलेज। सो अभी ये क्लास है एंड यहाँ पर CNC मशीन, यहाँ पर बहुत सारी CNC मशीन है। यहाँ पर जो क्लासेस लगती है मैं आपको दिखाता हूँ। जब 3 साल पहले जब हम इंदौर में थे तो उस टाइम ऐसा होता हुआ करता था कि पूरे इंदौर का दिन में पूरा ट्रायंगल बनाते थे, मतलब कि भंवर कुआं से ये वाला एरिया लवकुश एरिया, देन इसके बाद विजयनगर, विजयनगर से होते हुए बंगाली, बंगाली से होते हुए हम निकलते थे, फिर वापस शाम को अपने रूम। सो ऐसा पूरा मतलब ट्रायंगल बनता था पूरे अपने इंदौर का। तो अभी तो ऐसा है ना कि इंदौर से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अपनी जो पुरानी जो यादें, वो यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं। आप जो राइट हैंड में देख रहे हैं, ये राइट हैंड में जो देख रहे हैं, राइट हैंड में है सिद्ध विजय गणेश जी के जो बहुत ही प्यारा मंदिर है। हालांकि ये मरी माता स्क्वायर कहलाता है, बट बड़ी माता ये है, बड़ी माता का जो मंदिर है ये मरी माता का मंदिर है। तो भाई मेरे स्टैंड लगा लो, स्टैंड तो स्टैंड का ज़रूर ध्यान दें। स्टैंड यदि आप गाड़ी चला रहे हैं यार, स्टैंड तो लगा लें यार, कब क्या कैसा हो जाए। तो धूप के चक्कर में सब यहाँ पर लगा के रखे हैं बिल्कुल यहाँ पर, और धूप वहाँ पर जा रही है तो ऐसा है ना कि वहाँ पर गाड़ी कोई भी नहीं लगा रहा, सब धूप से बचना चाहते हैं। अपन को पूरी गलियाँ मालूम है, मतलब कि जहाँ जहाँ से अपन इंदौर में घूमा करते थे पूरी भी आज की आज पूरी गलियाँ मालूम है, बट नाम भूल गए हैं कि कौन सा स्क्वायर को क्या बोलते हैं। देखो ये है साईं बाबा जी की मूर्ति। तो उसी जगह फिर से आ गए हैं जिस जगह पर रंग पंचमी बनाई गई थी। सो अभी देख सकते हैं नीचे की ओर, एंड नीचे की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलाल का नाम निशान ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिस दिन रंग पंचमी बनाई गई थी इसके ठीक ठीक 2 घंटे में
भाई पूरा का पूरा गुलाल और जितनी भी गंदगी थी यहाँ पास, मतलब कि रंग पंचमी के समय, तो पूरा का पूरा साफ कर दिया गया था भाई। 2 घंटे में पूरा का पूरा राजवाड़ा साफ कर दिया गया था। हालांकि हम आ गए हैं राजवाड़ा, एंड मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला फोर्ट जिस जगह पर यहाँ पास पूरी पूरी यहाँ पर रंग पंचमी बनाई जाती है। तो पूरा ये राजवाड़ा का इलाका ही है। तो पहले आपको मैं पूरा राउंड घुमाता हूँ। तो देखो वही गली है पूरी जहाँ पर 5 लाख लोग यहाँ पर एक साथ रंग पंचमी मनाते थे। जो ऊपर जो देख रहे हैं ये है राजवाड़ा, एंड इसी जगह पर उस दिन 5 लाख लोग, मतलब कि 74 इयर्स का रिकॉर्ड टूट चुका है कि हाँ यहाँ पर 5 लाख लोगों ने एक साथ रंग पंचमी मनाई थी। एंड पूरा का पूरा मतलब कि 700 कर्मचारियों के सहयोग से यहाँ पर पूरी की पूरी साफ सफाई की गई थी। जो राइट हैंड में देख रहे हैं ये है C21, और ये बहुत ही बड़ा मॉल है। एंड उसी के ठीक सामने, मतलब कि 2 एक साथ मॉल है, एक मल्हार मॉल है, एक C21 मॉल है। जो आप वो सामने जो देख रहे हैं बीचों बीच, वो सब्जी वाला। और यहाँ पे सब्जी बेचते कैसे हैं? ये सब्जी बेचते हैं कि क्या बेचते हैं समझ में नहीं आता, करते हैं ये सब्जी वाले कैसे बेचते हैं यहाँ के? आलू यहाँ पे कैसे करते हैं? गाड़ी में लगा लो उसके से। भाई साहब ये क्या है? खड़े जाओ ऐसे ही ले। ऐसे लेके खड़े जाओ। कैसे ऐसे? हाँ अवसर मुंडी करके, फिर अवसर मुंडी करके अनिता परिहार। अच्छा तो मैं भी अपने घर में मालूम क्या करूंगा? तो तुम कहा मेरठ गई मैं? हाँ। कोई घर ऐसा नहीं हुआ जिसके दरवाजे में ये पेड़ ना लगा हो। अच्छा इससे कोई बाधा नहीं जाती? इससे बाधा भूत प्रेत नहीं होते? हाँ। अच्छा हम भी अपने घर इतने इतने से चाहे पेड़ लगे। हाँ। मगर सब गमला लगा के रखे हैं इसको। हम भी अपने घर में जाएंगे तो अकौआ उसमें भूत प्रेत नहीं आते। जिसके 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 घर में मतलब भूत प्रेत ज्यादा आते हो तो क्या लगाए? अकौआ, काला अकौआ। ओके तो सन्नी भी तैयारी में है बिल्कुल, और जब उसका बने नया घर बनेगा ना तो नए घर में लगाए क्या अकौआ। अकौआ देखो इतना प्रेमी हो चुका है ना ये, इतना प्रेमी हो चुका है ना ये, वैसे भी भूत प्रेत से इसको डर भी लगता है। अजवाइन, अजवाइन का पेड़। अजवाइन। ओके ब्रदर इसकी लत कहाँ से लग गई भाई तेरे को? इसकी लत कहाँ से लग गई? मतलब ये सब करने की पहले तो नहीं थी तेरे को? शादी के बाद सब, शादी के बाद सब कर जाता है। चने के पेड़, चने के झाड़ में चढ़ा रहे हो? अब वो मूंग की दाल का, अब मतलब पूरी खेती कर लो भाई तुम, यही मान में अब गुलाब, वो गुलाब के दिन तो तुम्हारे चले गए अब। सो गर्मा गर्म चाय। सो अभी गर्मा गर्म चाय का टाइम हो चुका है। सन्नी आज भी ना चाय रोटी खा रहा है। देखो ये आया और ये रोटी रखी है और ये चाय, ये खाते हैं तो खाते हैं, खाते हैं तो खाते हैं। बचपन की याद ना जाएगी अब, बचपन में खाते थे आज भी खाएंगे क्या बात। शानदार आतिशबाजी का आयोजन रखा गया है। रावण जल चुका है, यहाँ पर रावण जल चुका है और हमेशा की तरह मच्छर मारने वाले भैया सल्लू भाई। अबे शीशा में, शीशा में, शीशा में, शीशा में, अभी जल्दी मार, जल्दी मार, जल्दी मार, जल्दी मार। ओ भाई, ओ भाई, ओ हो, चट चट चट। जिस सज्जन को अपने घर में मच्छर मरवाना हो तो संपर्क करें सलेन सिंह चित्रकार, नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं।
बच्चे देखो ये मच्छर भाई, ये मच्छर, ये और बच्चे हैं, बैठे बैठे दोनों बैठे हैं।